Thank you. अनोमा पेपर का दिल नाही कालचा कालचा पेपर का दिल नाही पेपर दया मिस करू ना पेपर दया अभ्यास अभ्यास तरी पेपर दया मिस करू ना चलो वाह नेक्स्ट क्या है चलो नेक्स्ट क्या है देखो अभी देखो नेक्स्ट क्या है तो इधर है चेन है इधर है चेन किधर है ऑन द टेबल तो चेन का थोड़ा पार्ट लटक रहा है ये अभी स्पेसिफिक एग्जाम्पल है अभी ये जो भी मैं बोल रहा हूं इसमें दो ही थेरी हुआ है दो ही पार्ट थेरी के थे बाकी ऑलमोस्ट सब क्या है एग्जाम्पल सी है हुँ? चलो देखो तो यह है चेन चेन का थोड़ा पार्ट है ऊपर टेबल के चेन का थोड़ा पार्ट क्या है लटक रहा है अब क्या फाइंड आउट करना है अब क्या फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट यह स्मूद टेबल है टेबल क्या है स्मूद है तो बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट ये चेन का वेट पूरी चेन को नीचे खींचेगा तो चेन नीचे 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 आएगा और जब पूरा का पूरा चेन टेबल से निकला होगा जब पूरा का पूरा चेन इन द एयर होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है वो निकालना है तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है वो निकालना है समझ रहे हैं जब पूरा ये चेन फिसल जाएगा पूरा चेन हवा में होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है मतलब ऐसा होगा पूरा चेन इधर से इधर तक होगा चेन ऐसा पूरा का पूरा का चेन इधर का चेन का पार्ट इधर आया होगा और ये चेन का पार्ट इधर आया होगा समझ रहे तो जो चेन का पार्ट लटक रहा है चेन का जो पार्ट लटक रहा है उसका लेंथ कितना है उसका लेंथ है एल बा एन ठीक है सिंपल एग्जांपल है तो काइनेटिक एनर्जी तो ये नीचे आने के बाद कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा देखो ये पूरा का पूरा स्लिप होने के बाद ऐसा दिखेगा ठीक है तो ये नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना अचीव करेगा वो निकालना है ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन दोनों का क्या एडिशन रहता है इन दोनों का एडिशन रहता है जीरो अगर उधर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं है ओनली कंजर्वेटिव फोर्स है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना रहता है जीरो रहता है कैसे तो देखो इधर मैंने लिखा लो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहता है कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहता है कॉन्स्टेंट कब रहता है कॉन्स्टेंट काइनेटिक और पोटेंशियल का कंजर्वेशन कब होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल का कंजर्वेशन कांस्टेंट है मतलब कंजर्वेशन है कंजर्वेशन कब होता है कंजर्वेटिव फोर्स अगर है उसपे उसपे फ्रिक्शन नहीं एयर ड्रैग नहीं विस्कोसिटी नहीं है तो कंजर्व होता है नहीं तो क्या हो जाएगा एखादी एनर्जी उसमें से वेस्ट हो जाएगा तो अगर ये कांस्टेंट है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का समेशन कांस्टेंट है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है उस पर सब जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होना चाहिए मतलब फ्रिक्शन एयर ड्रैग और विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए उधर तो अगर सब फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया इसका अब मैंने डेरिवेटिव लिया तो क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया जीरो तो जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है ओनली ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो क्या रहता है ये याद रखने का ओनली कंजर्वेटिव फोर्स या अगर इसके ऊपर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या याद रखने का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आता है जीरो आता है तो देखो इधर तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही था काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही था फाइनली कुछ तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिला ठीक है काइनेटिक एनर्जी इनिशियली या इनिशियल पोजीशन या फाइनल इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो ही था और पूरा फिसलने के बाद इसको कुछ तो काइनेटिक एनर्जी मिला होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही था, तो जो था फाइनल काइनेटिक एनर्जी था उसको मैं ऐसा लिखता हूं हाफ मास ऑफ चेन इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ये तो जीरो ही है ठीक है ना तो कैसा लिखा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैंने लिखा है हाफ इंटू मास कितना है चेन का एम है इंटू फाइनली वेलोसिटी कितना है का स्क्वायर ठीक है काइनेटिक निकालना है तो काइनेटिक निकालो अगर वेलोसिटी निकालने को बोला है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना है माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना है पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना है माइनस इनिशियली कितना है उसका माइनस लेने का ठीक है तो देखो इधर मैं क्या करता हूं <coughs> देखो मैं इधर क्या करता हूं माइनस का माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं इधर देखो थोड़ा सा अलग करना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं इसको लेता हूं रेफरेंस लेवल मैं इसको रहता हूं रेफरेंस लेवल तो फाइनली ये पूरा जब स्लिप हो जाएगा पूरा का पूरा चेन रहेगा हवा में फाइनली ये पूरा स्लिप हो जाएगा पूरा का पूरा चेन रहेगा हवा में तब क्या रहेगा तब इसका सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा रहेगा किधर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल से कितना हाइट पे रहेगा रेफरेंस लेवल से रहेगा एल बाय टू पे ठीक है ना जब पूरा चेन स्लिप हो जाएगा पूरा चेन हवा में रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का हाइट अभी चेन का हाइट तो पता नहीं लग चलता इस पॉइंट का हाइट लेने का क्या इस पॉइंट का हाइट चेन का हाइट मतलब चेन के सेंटर ऑफ मास का हाइट तो चेन का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है एल बाई टू पे है ये एल है पूरा तो ये एल बाई टू है तो रेफरेंस लेवल से नीचे एल बाई टू है चेन का हाइट रेफरेंस लेवल से नीचे एल बाय टू है तो नीचे है इसलिए उस हाइट को मैं पकड़ता हूँ माइनस नीचे है इसलिए उस हाइट को मैं पकड़ता हूँ माइनस तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना चेन का फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना तो एम इंटू जी एम इंटू जी इंटू हाइट कितना क्यों क्यों क्योंकि रेफरेंस लेवल के नीचे हाइट है इसलिए मैंने लिया माइनस एल बाई टू तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना एम जी इंटू फाइनल हाइट एल बाय टू माइनस एल बाय टू माइनस माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी ये जो चेन का ऊपर का पार्ट है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये जब चेन थोड़ा टेबल पे है थोड़ा नीचे है तो जो पार्ट जो चेन का पार्ट जो चेन का पार्ट टेबल के ऊपर है चेन का जो पार्ट टेबल के ऊपर है उसका तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है वो कितनी हाइट पे है ये टेबल का चेन टेबल के ऊपर जो चेन है उसका हाइट कितना है वो रेफरेंस लेवल पे ही है तो वो रेफरेंस लेवल पे ही है तो उसका हाइट जीरो है तो उसका हाइट जीरो है मतलब ये वाला चेन का पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बस ये जो लटक रहा है उसको ही कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है उसका लेंथ कितना है एल बाय इसका लेंथ कितना है एल बाय तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा ये लटक रहा है इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा तो ये लेंथ कितना है है ऊपर से ये L by N. ये लेंथ पूरा L by N है, उसका आधा रहेगा एल बाय टू एम पूरा एल बाय है इसका आधा रहेगा एल बाय टू एम ठीक है तो जो पार्ट लटक रहा है उसको ही पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर वाला पार्ट को तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जीरो है वही रेफरेंस लेवल पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना तो यह है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना एम इंटू जी इंटू एच कितना माइनस एल बाय टू एन इसका हाइट कितना ये जो लटक राइट चेन इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना नीचे है इसलिए माइनस एल बाय टू एन तो माइनस एल बाई टू एन ये एम बाई एल क्या लिखा है मैंने लिखा इधर एम बाय क्या लिखा है ये किसका मास है पोटेंशियल एनर्जी किसका निकल रहे हैं हम लोग ये स्टेन का ये जो लटक रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है ऊपर वाले का तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसका ही मास लेना पड़ेगा तो इसका मास कितना है पूरे पूरे एक मिनट एम बाय एल नहीं एम बाय एन आएगा एम बाय देखो पूरे चेन का एल लेंथ का एंटायर एल लेंथ का मास है एम तो ये लेंथ कितना है लटकने वाला लेंथ कितना है एल बाय तो इसका मास कितना समझ चेन का L है, उसका मास M है. तो L का मास है कैपिटल एम तो ये लटकने वाला पार्ट है एल बाय तो एल बान का मास कितना तो एल बाय इंटू एम डिवाइडेड बाय एल बाइडेड बाय किया तो एल एल कैंसल एम बाय आता है एम बाय एन क्या है जो चेन लटक रहा है उसका ये मास है ठीक है तो क्या यूज किया चलो तो क्या यूज किया हमने इधर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा भी लिख सकते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है तो ये माइनस माइनस फर्स्ट पार्ट बन रहा है प्लस एम जी एल बाय टू और ये माइनस ये माइनस और बाहर का माइनस ये पार्ट क्या बन रहा है माइनस ही बन रहा है वो कितना आता है एम जी एल डिवाइडेड बाय टू एंड स्क्वायर तो ये आ गया फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो ये आता है फाइनली काइनेटिक एनर्जी ठीक है चलो इसको एक बार देखो स्क्रीनशॉट लो उसका इसका कुछ इसमें डाउट है तो पूछो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर आगे जाएंगे वेलोसिटी निकालना इधर से चेन का तो भी निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनली निकालना है चेन का तो भी निकाल सकते हैं ठीक है ठेके? चलो इसको रीड करो स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर जाएंगे आगे देखो क्या किया था इधर देखो इधर क्या किया था चेन है थोड़ा पार्ट चेन का टेबल के ऊपर है थोड़ा पार्ट लटक रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे 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 आएगा जब पूरा चेन हवा में रहेगा ऐसा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है वो निकालना है तो पे पे कौन कर कर रहा है? Gravity. Chain पे एक ही force act कर रहा है Gravity वो conservative force है है एक ही वो और जब conservative force act करता है ये equation ट्रू है ये तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का चेंज कितना final kinetic energy minus initial. Initial kinetic energy था ही नहीं चेंज स्टेशनरी था तो फाइनल बचा इनिशियल एनर्जी जीरो है, तो final kinetic energy बचा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस बाहर है माइनस बाहर है तो ये चेन का पोटेंशियल एनर्जी है फाइनली माइनस ये चेन का पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल तो चेन का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला एमजीएच तो चेन का मास है एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी ये रेफरेंस लेवल है तो चेन का हाइट कितना एल बाई टू पे नीचे है इसलिए माइनस एल बाई टू रेफरेंस लेवल है चेन का का नीचे नीचे है चेन के सेंटर मास का है के तो वैसा ही, निकाला इदर, निकाला इधर तो ये वाले पार्ट जो ऊपर है पार्ट चेन का जो के ऊपर है उसका तो तो है 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 वो पे उसका जो लटक रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया इतना तो सब ट्रैक किया तो आंसर आ गया ऐसा ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखो ऐसा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है क्या है चेन को टेबल के ऊपर लेने के लिए कितना एनर्जी लगेगा वर्क डन टू पुल एंटायर चेन ऑन द टेबल तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है वर्क डन को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं ठीक है इसका पोटेंशियल एनर्जी कम था ऊपर आने के बाद इसको मैंने खींचा तो ये ऊपर आ गया इसको खींचा तो ये धीरे धीरे ऐसा ऊपर आ गया ऊपर क्यों आया क्योंकि मैंने वर्क किया तो जितना पोटेंशियल एनर्जी चेन का बढ़ गया जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज चेन का इंक्रीज हुआ वो किसने दिया मैंने दिया चेन को मैंने ऊपर खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी उसका इंक्रीज हुआ तो जितना भी उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया वो किसने दिया मैंने दिया उसको एनर्जी तो वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन ठीक तो है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है चेन का जीरो चेन का पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना है मतलब चेन ऊपर गया मतलब रेफरेंस लेवल पे गया ना चेन ऊपर गया मतलब रेफरेंस लेवल पे गया रेफरेंस लेवल वापस उसको ही पकड़ो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चेन का कितना है जीरो है माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चेन का कितना है अभी ये वाला जो पार्ट है चेन का ये जो पार्ट है इसका तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली भी जीरो था तो जो लेकिन पार्ट लटक रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना तो उसका मास है एम बाय एन अभी निकाला था लास्ट वाला केस में तो लटक रहा है पार्ट इसका लेंथ है एल बाय जो पार्ट लटक रहा है वो उसका लेंथ दिया है एल बाय कुछ तो दिया है एन के टर्म्स में तो इसका मास कितना आता है एम बाय इंटू उसका जी जी तो मास इंटू जी इंटू हाइट कितना सेंटर ऑफ मास का ये जो लटक रहा है इसका हाइट किस किधर लेने का सेंटर ऑफ मास का हाइट हाइट लेने का तो कितना है एल टू एन रेफरेंस से नीचे इसलिए माइनस तो माइनस एल बाई टू एन तो एम जो लटक रहा है उसका मास जी इंटू हाइट जो लटक रहा है पार्ट उसका हाइट डाउनवर्ड है रेफरेंस से नीचे है, है हाइट सेंटर ऑफ मास का इसलिए माइनस ले है. तो माइनस माइनस प्लस आता है तो वर्क डन कितना एम जी एल डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वेयर तो दिस इज दी वर्क डन दिस इज दी वर्क डन टू पुल दी चेन ऑन द टेबल दिस इज दी वर्क डन टू पुल दी चेन ऑन द टेबल ठीक है चलो लिखो इसको ये लिखो नहीं स्क्रीनशॉट ले लो रीड करो करेक्ट है करेक्ट है गुंजन करेक्ट है ठीक है चलो चलो तो आज का फाइनल पार्ट आज का फाइनल पार्ट फिर आज का लेक्चर बंद करेंगे देखो आज का फाइनल पार्ट देखो क्या है ये इधर जो लिखा है वापस एक बार मैं बोलता हूं देखो देखो तो इधर दिख रहा है ना पूरा तो ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेरिवेटिव लिया तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया है जीरो कब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब फ्रिक्शन है या फिर ड्रैग है एयर ड्रैग है या फिर विस्कोसिटी है तो ये जीरो नहीं आता चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल क्या आता है फिर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं आता है. ये आता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या आता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये आता है क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं तो उसने वर्क किया कितना है जीरो है ये कब आता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये इक्वेशन अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो ये इक्वेशन ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही बस हो गया आज के लिए इतना ही बस हो गया मैं एक बार रिवाइज करता हूं क्या क्या हो गया है और फिर जाएंगे एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट रिवाइज करता हूं और फिर जाएंगे चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चलो मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है देखो अब तक जितना भी हुआ है कवर वर्क एनर्जी पावर में अब तक जितना भी थेरी हुआ है अभी ऑलमोस्ट वर्क एनर्जी पावर इधर खत्म हो गया थेरी अभी कोलिजन का थेरी चालू हो जाएगा लेकिन इसके न्यूमरिकल्स करेंगे वर्क एनर्जी पावर के थोड़े न्यूमरिकल्स क्या करेंगे कल करेंगे और फिर कोलिजन का पार्ट स्टार्ट करेंगे कल और परसों कोलिजन शायद खत्म हो जाएगा फिर इलास्टिसिटी एक दिन कभी तो रिवाइज करेंगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मतलब जो पार्ट अदर टॉपिक्स में कवर नहीं हुआ एक्सक्लूसिवली इसी टॉपिक में कवर होता है तो वो वाला पार्ट क्या है कि जो मुझे लगता है रीड करना चाहिए बाकी सब पार्ट मुझे लॉजिकल लगता है तो थेरी में एक रीड करना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनका डिफरेंस याद रखो क्या है नंबर वन इंपॉर्टेंट क्या है अब तक जितना भी हुआ है पूरा बोल रहा हूं उसमें वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव को याद रखो नंबर वन नंबर टू पॉइंट वर्क एनर्जी थेरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें वर्क डन किसका रहता है इसमें वर्क डन रहता है टोटल फोर्स का इसमें वर्क डन क्या रहता है टोटल फोर्स का ये थेम भी इंपॉर्टेंट है फिर आज जो देखा वो एफ बार इज इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे ये एक फॉर्मूला अलग था एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ जो मैंने बोला था वो है तो इतना ही पार्ट अच्छे से करो बाकी सब पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि और अदर टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है तुम लोगों को ऑलरेडी आता है तो ये बस पार्ट इस टॉपिक में थोड़ा सा अलग है इतना ही रीड करो थेरी इसका ज्यादा मत रीड करो और क्या करो वर्क पावर एंड एन एनर्जी अभी सॉल्विंग करना करना चालू करो वर्क पावर एंड एन एनर्जी का क्या करो अभी सॉल्विंग करो कल थोड़े न्यूमेरिकल लेंगे वर्क पावर एनर्जी का जितने मुझे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगते उतने लेंगे फिर क्या करेंगे फिर कोलिजन का पार्ट स्टार्ट करेंगे कोलिजन को दो दिन लगेगा ऐसा लग रहा है देखेंगे कितना लगता है ठीक है तो कल हाफ एन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स क्या करेंगे Numericals, फिर नेक्स्ट मिनट्स स्टार्ट करेंगे कल का लेक्चर कब नाइन ए एम सेम टाइम ठीक है तो आज के लिए बस हो गया इतना आज के लिए इतना बस हो गया चलो कुछ डाउट्स वगैरह है तो बोलो नहीं तो बंद बन...